बिश्नोई समाज के संस्थापक श्री जम्बेश्वर भगवान की 570वें जन्मोत्सव पर व कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जुड़गांव के जम्बेश्वर मंदिर प्रांगण में मिशन ग्रीन इंडिया अभियान के तहत मानव अधिकार संरक्षण जोधपुर जिला महासचिव भजन लाल बिश्नोई ने युवाओं के साथ मिलकर श्रमदान किया व छायादार पौधे लगाए। अभियान एलिट फाउंडेशन एवं मानव अधिकार संरक्षण के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा पर्यावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से मानसून सीजन में चलाया जा रहा है तथा राजस्थान में जोधपुर संभागीय अध्यक्ष पुखराज दिवारिया के निर्देशन में सघन पौधारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर भजन लाल बिश्नोई ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। बचाव के केंद्र व राज्य सरकार तरह तरह की गाइडलाइंस जारी कर रही है, कहीं कर्फ्यू है तो कहीं लॉकडाउन तो कहीं अनलॉक चल रहा है, लेकिन बीमारी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जम्बेश्वर भगवान ने तो 570 वर्ष पहले ही शब्दवाणी व 29 नियमों की आचार संहिता से बचाव का संदेश दिया, जिसको वैज्ञानिक भी आज प्रमाणिक मान रहे हैं। आज जम्बेश्वर भगवान का 570वां जन्मोत्सव है। 120 शब्दवाणी में मनुष्य जीवन का सार छिपा हुआ है, जिसको आत्मसात कर कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सकता है तथा सुखी जीवन की कल्पना की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे धरती के श्रृंगार होते हैं। इस अवसर पर पंडित दीपाराम शायर लोल, भूपेंद्र मेवाड़ा, मनोहर विश्नोई, संतोष लोल, मनीष लोल, प्रवीण बलदेव लोल, जयप्रकाश महेंद्र, राकेश पूनाराम तथा भजन लाल विश्नोई मौजूद रहे।